ओके जी, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का हमने विस्कोसिटी बहुत बार सुन लिया अब तक, राइट? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत बार सुन लिया है, यूनिट्स इंटरवेंशन में सुन लिया, इसी चैप्टर में पहले बहुत बार सुन लिया है, लेकिन अब हम उसको करेंगे डिटेल में कि एक्चुअली विस्कोसिटी किस किस चीजों पर डिपेंड करती है, क्या चीज है ये, और इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। और जो एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, याद है फॉर्मूला? एक जमाने में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में किया था। उसमें याद करना होता है के हाँ, उस फॉर्मूला को याद करना है, उस फॉर्मूले की डेरिवेशन है वो। सर वो तो अब करना है ना याद, कुछ इसी पहले पढ़ी। अरे अब क्या, सब क्या, तुम लोग सब कुछ नीट के लिए कर रहे हो, है ना? तो ठीक है याद करना है इन टोटल आपको वो फॉर्मूला, ठीक है जी? ओके चलो बढ़ते हैं फिर विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी का मतलब क्या चीज है? दिस गाढ़ापन, इज फ्रिक्शन इन इन वाटर, लिक्विड, फ्रिक्शन इन लिक्विड, फ्रिक्शन इन इट इज लिक्विड, दी फ्रिक्शन इन हाँ लिक्विड, फ्रिक्शन इन द लिक्विड। वो एक्चुअली इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू गाढ़ापन। जितना गाढ़ापन लिक्विड जो है वो गाढ़ा होगा उतना फ्रिक्शन ऑब्वियसली उसमें इतना ज्यादा वो भी ज्यादा ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगी। ठीक है जी? गाढ़ापन है ही एक्चुअली। देखो फ्रिक्शन का रीजन क्या होता है, व्हाट माइट बी द केवल रीजन ऑफ दिस विस्कस फोर्स? जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे यस क्लोज हैं करेक्ट, पास पास है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज द रीजन ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है जी? ऑब्वियसली अगर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग ज्यादा है ना, हाथ जोर से पकड़ा हुआ है लोगों ने, तो नहीं छूटेंगे वो, उनको अगर धक्का मारेंगे, ठीक है, उनको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बॉन्ड जो वीक है तो हाथ टूट जाएंगे, विस्कोसिटी उसकी कम होगा, हाथ नहीं टूटेंगे, हाथ छूटेंगे, तो बॉन्ड जो है उनके वीक होते हैं जिनमें विस्कोसिटी कम होती है, राइट? एंड अगर बॉन्ड ज्यादा तेज मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देन दैट वुड ऑब्वियसली मीन कि उसमें वो लिक्विड ज्यादा गाढ़ा भी होगा, तो इसलिए सब ये इंटररिलेटेड है, ठीक है? ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले इसकी। द प्रॉपर्टी विस्कोसिटी हेडिंग डालो, इसके डेफिनेशन लिखेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ दी लिक्विड ड्यू टू विच इट अपोजिस the relative motion between the adjacent layers of the liquid called viscosity. याद है जैसे हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो में वो एक लेमिनार फ्लो में हमने एक फोटो बनाई थी पतले पानी की, तो जिस है ना उसके कारण जो लेयर्स की जो वेलोसिटी है, हर लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट थी, ठीक यस सर है? वो इसलिए थी क्योंकि उन दोनों में विस्कस फोर्सेस हैं। अगर विस्कस फोर्सेस ना होती, विस्कस फोर्सेस ना होने का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना कम होना या होना बहुत ज्यादा होना? ना होना, ना ना होना मतलब बिल्कुल ना होना विस्कस, बिल्कुल मतलब मैंने विस्कोसिटी भी तो ना ही होना बोल दिया ना, ना तो बिल्कुल होती नहीं, कुछ तो होगी। तो विस्कस फोर्सेस का कम होना या ना होना मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का कम होना या फिर ना होना, दैट वुड मीन के सारा का सारा, सारी की सारी लेयर्स जो है वो सेम वेलोसिटी पे नहीं है चलेंगी नहीं चलेंगी चलेंगी है, चलेंगी।
जब विस्कस नहीं है। हाँ जब विस्कस नहीं है फिर तो सेमी वेलोसिटी पे चलेंगे ना। अरे सर आप विस्कस की बात कर लो सर, केस ने केस कंफ्यूज कर गए, हम दूसरे सोच रहे थे आप दूसरे की बात कर रहे थे। तो सर ने लेमिनार फ्लो दिखाया था। देखो इधर बना के देख लेते हैं इसको सर, याद है ग्राउंड है। अब ग्राउंड के साथ जो बिल्कुल इसके साथ जो सटी लेयर होगी उसकी जो स्पीड है सबसे कम होगी। यस सर। इसकी स्पीड जो है वो सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। यहाँ पे जरा लेयर बना लेते हैं पहले। इसकी स्पीड जो है वो सबसे कम होगी, इसकी स्पीड उससे ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, ज्यादा एंड सबसे ज्यादा। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन या विस्कस फोर्सेस। जैसे हमने उस दिन एक एग्जांपल ये भी डिस्कस की थी, अगर चम्मच लेके स्पून लेके हम अगर ग्लास में दूध है उसको अगर हम स्टर करते हैं देन द व्हिच लेयर मूव्स फास्टेस्ट, सेंटर वाली, राइट, सेंटर वाली लेयर जो है वो सबसे तेज चलेगी है ना। और जैसे जैसे हम बाउंड्री की तरफ ग्लास की तरफ जाते हैं तो वो लेयर जो है वो उसकी स्पीड कम होती रहती है। ठीक है, वो इसलिए कम हो रही है। कम क्यों हो रही है? अगर विस्कस फोर्सेस ना होती फिर तो सारी सेम स्पीड से जा रही होती। Yes, sir. कम इसीलिए हो रही है क्योंकि विस्कस फोर्सेस हैं, इसलिए कम। दिस हैज मैक्सिमम वेलोसिटी, ये है, इनफैक्ट यहाँ पे जो लेयर होगी जो ग्राउंड के बिल्कुल ऊपर होगी उसकी तो जीरो ही होगी। तो मतलब सर लास्ट वाली लेयर जो है वो स्टिल होगी। हाँ वो बिल्कुल जो बिल्कुल एक यू नो एक एक मॉलिक्यूल की जो लेयर है ग्राउंड पे है बिल्कुल। ओके, कुछ और जैसे एग्जांपल, जैसे इफ वी स्टर अ लिक्विड इन अ टम्बलर या ग्लास then the centermost layer moves fastest and the layer touching the glass is slowest. And if we stop stirring the liquid the liquid will also stop moving eventually. Due to viscous forces.
सर हाँ जी सर, ये ऊपर डायग्राम में जो आपने बनाया है तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ग्राउंड लेवल से, वैसे वैसे लिक्विड में जो विस्कोसिटी है वो एडजेसेंट लेयर में कम हो रही है। ना तो अगर सर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो अगर सपोज इन दोनों में वेलोसिटी का चेंज मान लो लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड है, तो इन दोनों में 1 मीटर पर सेकंड होता, इन दोनों में 0.5 मीटर पर सेकंड का होता। लेकिन अगर कांस्टेंट डिफरेंस पे कांस्टेंट चेंज हो रहा है, मतलब विस्कस फोर्स ऑब्वियसली सेम होनी चाहिए। यस सर, चेंज मतलब क्यों आ रहा है ये चेंज? क्यों आ रहा है चेंज? तुम्हें क्यों लगता है कि नहीं आएगा चेंज? सर क्योंकि जो फोर्सेस सेम ही लग रही हैं, जो विस्कोसिटी की फोर्स लग रही है वाटर लेयर्स के बीच में, तो फिर सर उसको याद है हमने एक एग्जांपल की थी वो बच्चों वाली? हाँ सर की थी, एक बार उसको आज दोबारा कर लेते हैं ना। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ी, ठीक है, तो अब क्या किया, इधर फोर्स लगाई हमने, तो ये कैसे मूव करेंगे? ये वाला बच्चा सबसे आगे चला जाएगा, चला जाएगा। यस सर, ये वाला यहाँ तक आ जाएगा, सब पीछे, ये वाला यहाँ तक आ जाएगा, हाँ ये वाला यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला यहाँ तक आ जाएगा, और ये वाला नहीं हिलेगा। इन सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है ना, यहाँ पे हमने फोर्स लगाती सब, ठीक। इसने किसका हाथ पकड़ा हुआ, यहाँ पे डोर का हैंडल पकड़ा हुआ, सब पे हमने फोर्स लगा दी थी F, सब पे, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ यहाँ पे इसने डोर का हैंडल पकड़ा हुआ है, इसीलिए ये तो नहीं मूव कर पाएगा, थोड़ा सा या तो कर लेगा, है ना, लेकिन इसका हाथ जो बिल्कुल डोर के हैंडल के साथ है वो मूव नहीं करेगा। हाँ कि नहीं? अच्छा सर मुझे समझ में आ गया सर, लेयर पे ऊपर नीचे दोनों की तरफ से जो वो लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, राइट? हाँ सर, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दोनों तरफ से लगेंगे तो वेलोसिटी कम होगी, yes. और ज्यादा होती चली जाएगी, yes. नीचे वाली लेयर, ये वाला बच्चा इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ये वाला बच्चा इसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, यस सर, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ आगे, कुछ इसकी बात मानेगा, कुछ इसकी बात मानेगा, यहाँ तक आ गया। ऐसी इसको ये वाला आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये थोड़ा और आगे हो जाएगा, एंड दिस गोज ऑन। ओके सर, यस, सर। हाँ जी सर, पर नॉलेज थ्योरम के एप्लीकेशन में आपने कहा नहीं था बल्कि टॉर्च सीरीज के बाद भी एक एप्लीकेशन है, कोई ट्यूब वेंट्री ट्यूब सर, आप कोई मीट yes, कुछ यू आर राइट ऐसी बात कर रहे थे कल, या राइट तो वो सर हम कब करेंगे, कराएंगे वो, स्किप हो गई, कोई बात नहीं, मैं पहले बोलने वाली थी जब आपने किया, पर तो क्योंकि शायद आपने यही ना बोला विस्कोसिटी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कर लेंगे, चलो इसके बाद करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी, मंडे कर लेंगे वो, ठीक है, ओके सर, एक बार विस्कोसिटी खत्म कर लें तो उसके बाद करते हैं। वेंचुरी ट्यूब है एक्चुअली वो, वेंचुरी ट्यूब जो है ना, दैट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो इन द पाइप्स, राइट? तो उसके ऊपर मतलब कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आता, बट इनडायरेक्टली वही बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन यूज हो रही है। दो पॉइंट्स में हम प्रेशर की वेरिएशन को देख के वेलोसिटीज फाइंड करते हैं, वही चीज है। इनडायरेक्टली तुम लोग उसके न्यूमेरिकल्स कर चुके हो उसी एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज जो मैंने पहले ये कर लिया था सर, ऐसा सर, हां राइट, एक्सरसाइज 0 का अर्थ क्वेश्चन है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा एक नीचे यूट्यूब लगी होती है, ठीक है, तो वो कैसे काम करती है वो मैं बता दूंगा। सेकंड एग्जांपल, टेस्ट का भी तो एक क्वेश्चन रहता है, 33rd कौन से वाला? अच्छा वो वेलोसिटी, सर वो एस्केप वेलोसिटी वाला, वो भी वो मैं आज बता देता हूँ क्लास के बाद एंड में, ठीक।
सर इस बार टेस्ट का जो सिलेबस है वो मतलब मूविंग लिक्विड से पहले तक का ही है ना? से पहले, हाँ, स्टैटिक लिक्विड से पहले। हाँ यस सर। ठीक है जी। तो दूसरा जैसे सपोज दूसरी जो विस्कोसिटी की यू नो ऐसे समझ लो एग्जांपल कह लो या फिर यूं समझ लो प्रूफ है, वो ये है कि अगर हम हवा में देखो नॉर्मली चलते हैं अपने को इतनी रेजिस्टेंस फील नहीं होती, लेकिन अगर हम पानी में चलेंगे तो हमें रेजिस्टेंस फील होती है, ऐसे फील। वो क्यों हो रही है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में विस्कस फोर्सेस हैं जिसकी वजह से वो आपस में बॉन्डेड हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें चलने में दिक्कत होती है। दिस इज द सेकंड यू नो टाइप ऑफ यू नो प्रूफ जो हमें विस्कस फोर्सेस की यू नो प्रमाण देता है। इट इज इजी टू वॉक इन एयर या वो तो ऐसे इट इज डिफिकल्ट टू वॉक इन वाटर because of the viscous forces of the चलो अब हम इसका फॉर्मूला करते हैं कि ये जो फॉर्मूला विस्कस फोर्स का है वो किन किन चीजों पे, इसकी जो वैल्यू है जो विस्कस फोर्स है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करेगी। जैसे हमने ऊपर लेयर किया, लेयर ऑफ वाटर है जो बह रही है ना, तो अगर जितनी ये ज्यादा लेयर बड़ी होगी उतनी विस्कस फोर्सेस ज्यादा होंगी। अगर हम इसको 2D में इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन द लेयर्स, ये है और एक ये दो लेयर्स हैं, किन में विस्कस फोर्स ज्यादा होगी, इन दोनों में या इन दोनों में? पहली दो में, ए में या बी में? ए में, ए में, ए में। यहाँ पे राइट विस्कस फोर्सेस किसके कारण होती हैं? फ्रिक्शन के कारण। हाँ फ्रिक्शन किसके कारण? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण ना। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसके और इस लेयर के जो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें विस्कस फोर्स है जो वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस सिनेरियो, राइट। तो नंबर वन इज, इसमें हेडिंग बनाएंगे पहले, विस्कस फोर्स the magnitude of the viscous force acting between the two layers of a liquid depends on the following factors. Number one, A is directly proportional to the area या सरफेस एरिया ऑफ द लेयर, ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द लेयर। जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। बी पार्ट,
ओके टेल मी वन थिंग, जो अभी हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे, अगर यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी लेयर्स हैं, तो इन सब के बीच में लेट्स से हमने डिस्टेंस सेम है, एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस है सब में, एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, मतलब ये जो ये है dx है, ये सब में 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम एक फैक्टर की डिपेंडेंसी देखेंगे, दैट इज डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स मतलब कितने dx पे कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट मतलब वेरी होना, ग्रेडियंट का मतलब वेरी होना विद डिस्टेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी वेरी हो रही है विद डिस्टेंस, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे यहाँ पे ग्राउंड से, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी वेरी हो रही है, हाँ के ना, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, यस सर। तो हमने क्या कर लिया, मैं जानना चाहता हूँ कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इन दोनों लेयर्स के बीच में कितना है, इन दोनों लेयर्स के बीच में कितना है, इन दोनों लेयर्स के बीच में कितना है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में कितना है, ठीक है। तो सबका डीएक्स मैंने कॉमन, इन दोनों में से दो की वेरिएशन है ना, तो उन दोनों में से एक को मैंने एक पैरामीटर कांस्टेंट कर दिया, दूसरे की स्टडी करते हैं। ओके नाउ टेल मी, अगर इसकी वेलोसिटी चलो जीरो है, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी 6 और इसकी वेलोसिटी है 8, एक सिनेरियो ये हो गया, एक सिनेरियो ये हो गया, ये है 2 ना 0, और फिर ये है लेट्स से 2, फिर ये है 5, फिर ये है 10, फिर ये है 20, ठीक है। ये 8 थी, उसके नीचे वाली 6 है, उसके नीचे वाली 4 है, उसके नीचे वाली 2 है, उसके नीचे वाली 0 है। ये 20 थी, उसके नीचे वाली 10 रह गई, उसके नीचे वाली 5 रह गई, उसके नीचे वाली 2 रह गई, फिर 0 रह गई। केस ए एंड केस बी, इसमें विस्कस फोर्सेस ज्यादा है सर, ए में, ए में, ए में सर, सर बी में, बी में नहीं है सर ज्यादा, नहीं सर ए में है, ए में है, सर ए में है, नहीं है सर, ए में है सर, पता लगे आंसर है दोनों में सेम है, सेम तो नहीं है, ए में ज्यादा सर, ए में ज्यादा है, ए में ज्यादा है, ओके सर, उसमें वेलोसिटी थोड़ी कंसीडरेबली चेंज होती है, बट ए में तो रैंडम ही सर, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ए में यूनिफॉर्म विस्कस फोर्स मतलब सब जगह सब लेयर्स के बीच में सेम है, और यहाँ पे विस्कस फोर्सेस वेरी करी जा रही है। अच्छा चलो एक काम कर, अच्छा ये दुविधा तो वेलोसिटी ज्यादा है तो फिर वो इतना रेजिस्ट नहीं, ये दुविधा हल कर देते हैं सिमरन की ना, सिमर की ये वाली दुविधा हम हल कर देते हैं, वेरिएबल नहीं रखते, ये है 0, 4, 8, 12 और 16 ऐसे, ठीक है। अब सेम है सर, ए में होंगी ज्यादा, सर ए में ही है ज्यादा विस्कस फोर्सेस, ए में ज्यादा है, अच्छा बी में सर, ए में ज्यादा है, कुशल अग्रवाल बी में क्यों ज्यादा है सर, ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो ज्यादा फ्रिक्शन हुई, कम फ्रिक्शन, कम फ्रिक्शन होगी फिर वेलोसिटी बढ़ा, एक सेकंड उसको बोलने दो, एक सेकंड, कुशल अग्रवाल, यस सर, हाँ भाई, ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो ज्यादा फ्रिक्शन, ये कैसे पता लगा तुम्हें सर, इमेजिन करके, हाँ इमेजिन, अरे एक तो यार बड़े वीर से ऑब्वियस आंसर देता है ये, अरे इमेजिन करके तो ठीक है, लेकिन मेरे को थोड़ा इमेजिनेशन अपनी एंटर करा ले अपनी इमेजिनेशन में, हैं समझा तो दे थोड़ा सा सर, एक जैसे फ्लोर है, अच्छा उसके साथ बॉक्स में ज्यादा फ्रिक्शन होगी तो ज्यादा जल्दी रुकेगा, अच्छा बस ऐसे ही, इमेजिनेशन तेरी बिल्कुल सही है, बी में फ्रिक्शन ज्यादा है, क्या 16 से 0 आने में विस्कस फोर्स ज्यादा है और 8 से, अरे भाई ये तो सोचो, ये 8 से 0 है और ये 16 से 0 सर, हाँ यही तो, 0 से 8 थोड़ी जा रहा है,
ये ऊपर वाली लेयर 8 पे है, 8 पे दौड़ रही है, यहाँ पे ऊपर वाली लेयर 16 पे दौड़ रही है, नीचे वाली लेयर दोनों ही 0 है। तो किस में विस्कस फोर्सेस ज्यादा होंगी भाई, 8 से 0 लाने में ज्यादा है या 16 से 0 लाने में ज्यादा है? 16 से 0 लाने में ज्यादा है। अरे इनमें विस्कस फोर्सेस ज्यादा होंगी तभी तो 16 से 0 आ पाई, यहाँ पे तो 8 से ही 0 लाना था, यहाँ पे 16 से 0 लाना था, तो यहाँ पे डबल है फ्रिक्शन है। सिंपल सी बात है, गाड़ी यहाँ पे 8 से चल रहे है उसको 0 पे लेके आए, यहाँ पे 16 पे चल रही है वहां पे 0 पे लेके आए, किसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हुई? दूसरे केस में। इमेजिन हो पा रहा है अभी? यस सर। सारे सारी जनता बाकी निवेदिता जिया जो लोग पहले बोल रहे थे नीचे वाली लेयर जीरो पे पहुंच पाएगी, ये रोक पाएंगे बीच वाले मॉलिक्यूल्स इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अदरवाइज इसमें अगर फ्रिक्शन उतनी ही होती क्या ये जीरो पे नीचे वाली लेयर आ पाती 16 से? नो सर। ये अगर सेम फ्रिक्शन होती दोनों में मान लो तो ये 8 पे ही पहुंचती। यस है ना, इसने कितना कितना डिफरेंस क्रिएट किया 8 का, अगर सेम फ्रिक्शन होती ये भी 8 का ही डिफरेंस क्रिएट कर पाती और 8 पे पहुंचती, तो नीचे वाली लेयर तो रुक ही नहीं पाई बेचारी, मुझे रोकना है उसको, थोड़ी और फ्रिक्शन देनी पड़ेगी तभी तो 8+8 का डिफरेंस 16 का डिफरेंस आएगा और नीचे वाली लेयर जो है वो रुक जाएगी। सर हम ऐसे देख रहे हैं कि और जोर से हाथ पकड़ने, एक सेकंड, और जोर से हाथ पकड़ने उनके बच्चे को, हिलने नहीं देना बीच वाले बच्चों को जितना कोशिश हो सके उतना अपने को, यहाँ पे तो नीचे वाला लेयर हैंडल छोड़ के भाग रही, हैंडल छोड़ के भाग रही है लास्ट वाला बच्चा है ना, तो मतलब इधर फ्रिक्शन ज्यादा होगी अगर ये हैंडल छोड़ के नहीं भागेगा। ठीक है जी, हाँ जी बोलो सर। जैसे हम 16 से 0 और 8 से 0 देख रहे हैं, अब रिवर्स केस में नहीं देख सकते हम? रिवर्स बोलो कैसे? रिवर्स से 0 से 8 और 0 से 16 जाना है, फ्रिक्शन को इमेजिन करना है ना, तो रोकने वाली सिचुएशन को इमेजिन करो। ओके सर। है ना, फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है ना? यस सर। तो इसलिए वहां से ज्यादा इमेजिन हो पाएगा। ओके सर। तो यहाँ पे हम दूसरी चीज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स। तो समझ तो आ गया बट संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि संतुष्टि लाते हैं जरा बताओ कैसे है? दुविधा बताओ कि सर देखो 16 से 12 तक जा रही है, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स कम हुई ना 16 से जितने टाइम में 8 से 6 में जा रही है उतने ही टाइम में 16 से वो 12 में जा रही है, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स कम हुई ना। तुम पहली लेयर की बात कर रही हो? यस सर, पहली लेयर की। अच्छा, फ्रिक्शन कम कैसे हुई, मतलब ये हाउ हाउ आर यू इमेजिनिंग दिस? सर एक तरफ तो वो 8 से 6 पे जा रही है वेलोसिटी, इसने दो ही वेलोसिटी कम की और उसने मतलब 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड कम की, तो यूं समझ लो कि दो बच्चे इधर थे, एक ये और एक ये, ठीक है? Yes, तो इस ये भाग रहा है 8 से, ये भाग रहा है 16 से। Okay, ये वाला इससे 2 कम पे भाग रहा है 6 पे, ये वाला इससे 4 कम पे भाग रहा है 12 से, तो ये वाला बच्चा, इसको ले लो चिंटू, इसको ले लो पिंटू, तो चिंटू ने ज्यादा जोर लगाया इसको रोकने के लिए या पिंटू ने ज्यादा जोर लगाया इसको रोकने के लिए? इसने 4 कम कर दी, इसने 2 कम कर दी,
जोर तो वैसे चिंटू नहीं लगाया, चिंटू नहीं लगाया सर। अगर कंपैरेटिवली देखे तो चिंटू नहीं लगाया, वेलोसिटी चिंटू की कम है पिंटू से। अरे ऊपर वाली भी तो देख लो, ये भी तो आठ है। अच्छा एक काम तो करते हैं, एक काम करते हैं, दोनों आठ आठ ले लेते हैं। ये भी आठ से भाग रहा है, ये भी आठ से भाग रहा है। ये वाला चिंटू जो है वो छह से भाग रहा है, पिंटू जो है वो चार से भाग रहा है। एक कांस्टेंट ऊपर वाला कांस्टेंट कर लेते हैं ना। यस ठीक है, अब बताओ किसने ज्यादा जोर लगाया। सर चिंटू ने। अब फिर चिंटू ने। यस सर। अब कैसे अब क्यों? अब पहले तुमने बोला चिंटू ने, इसलिए क्योंकि सर वेलोसिटी तो चिंटू की कम है ना, इसलिए चिंटू ने ज्यादा जोर लगाया। सर इसका नाम पिंटू रख दें। इसलिए कहा था क्योंकि जो वेलोसिटी है 8 के कंपैरेटिवली तो वो ज्यादा जोर लगा रहा है, और दूसरी साइड 16 के कंपैरेटिवली 12 वाला कम जोर लगा रहा है। एक मिनट इसमें बताओ, अब 16 भूल जाओ, इसमें बताओ मुझे। अरे इसमें तो वो चिंटू नहीं, 6 वाले नहीं, 6 वाले ने ज्यादा जोर लगाया। यस सर। अच्छा 6 वाले को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है दो कम करने के लिए, और 4 वाले को कम जोर लगाना पड़ रहा है 8 से 4, ये 4 से भाग रहा है। क्या बात कर रही हो जिया, इसने 4 कम कर लिया अपनी वेलोसिटी उससे। यस सर। तो किसने ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स लगा रखी है? सर 6 वाले। अबे क्या सर, मेरे 6 पे की वाली हो गया आज, पता नहीं क्यों 6 पे आ गई है। सर बता दो सर। सर सर मैं ट्राई करूं। सर तो बता रहे हैं, कितना बताए और सर कहाँ गए आप? इसलिए उसकी स्पीड कम चेंज हुई है, तो इसलिए उसने ज्यादा फोर्स किया है। शायद ऐसा लग रहा है। सर जो चिंटू है, सर जो आपने लेफ्ट वाला लिया है कि वो 8 से 6 उसकी वेलोसिटी आई है, तो उसका चेंज इन वेलोसिटी कम हुआ है, तो उसने ज्यादा रेजिस्ट किया, इसको ऐसे केस लग रहा है। अरे वो 8 से 6 नहीं आया, इधर और है। अरे चार बच्चे लेते हैं इधर। तो पहले चार ले रखे हैं, और कितने? अरे ये चिंटू, ये चिंटू नहीं है। यस वो भी कुछ हो गया। अब 8 6 8 4 ये जिया है। ठीक है, ये कौन है? ये मिलन। चलो ठीक है, इधर भी एक लड़की लेते हैं। रुको सिमर ले लो सर, सिमर ले लेते हैं। हाँ ये जिया। यस सर। जिया और सिमर दोनों को बढ़िया 8 से भागने की, दोनों भाग रही है। ठीक है सर। अब निवेदिता ने जिया का हाथ पकड़ रखा है, निवेदिता ने सिमर का हाथ पकड़, मिलन ने सिमर का हाथ पकड़ रखा है। इन्होंने हाथ पकड़ रखा है। हाथ ही पकड़ना पड़ेगा, गर्दन तो नहीं पकड़ेंगे। सर मैं भूल ही गई सर, फिर तो 4 वाला ज्यादा जोर लगेगा ना उसके कंपैरेटिवली भागने में। हाय राम माता जी। सर आपने हाथ मेंशन सर ऑल इज वेल। मेरे को पता ही नहीं था इन्होंने हाथ पर। चलो बट मैं आज, आज की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जरूर देखना जिया, है ना? yes. उस दिन की भी देखना जिस दिन ये डिस्कस हुआ था एग्जांपल। हुआ था मेरे को याद है वो एग्जांपल, तो चेन चेन में हाथ तो पकड़ते ही है। अरे इतने बच्चे जो यहाँ पे लाइन में लगाए थे मैंने, वो तो हाथ पकड़ हो गए। वो ऐसे कैसे कर रहे थे? ऐसे ऐसे स्प्रिंट के लिए दौड़ रहे हैं, कोई मोटिव नहीं अंकल। मतलब जिया को सिनेरियो में घुसाना पड़ा तब बात हो गई। सर आज ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना, कोई देखेगा तो हंसेगा बहुत। ठीक है चलो, अब भावना समझ में आ गई जिया अच्छे से? यस सर फाइनली। सेटिस्फेक्शन हो गई? यस सर। ठीक, तृप्ति होनी चाहिए, जरूरी है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडिएंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड, दैट इज इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी है एंड एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी बाय डी एक्स है, ये एरिया वाला और ये दूसरा वेलोसिटी ग्रेडिएंट वाला, दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे फोटो बना लेते हैं जरा हम साइड में। सर ये वेलोसिटी ग्रेडिएंट वही था ना कि डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज करेगी? बिल्कुल वही था। ओके सर। तो अगर लेट्स से इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, तो इसकी अगर v प्लस dv हो जाएगी, ये हमने यही चेंज लिया ना दो लेयर्स के बीच में, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज dx। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट दिख रहा है v प्लस dv माइनस v जो कि dv बचा, yes, sir. A लेयर और b लेयर के बीच में dv इज दी चेंज इन वेलोसिटी एंड ग्रेडियंट डिफरेंस इज dx, मतलब dv by dx उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, इसको a और b लेयर नहीं लेते, ये एरिया के लिए सिंबल यूज कर रखा है हमने, दिस इज एरिया a, इसको लेयर 1 लेयर 2 ले लो, लेयर 3 एंड लेयर 4। अब एक बात बताओगे, ये जो भाग रही है राइट की तरफ, विस्कस फोर्स किधर लग रही होगी? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ, सही बात है, विस्कस फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ लग रही है, तो देयरफॉर जो विस्कस फोर्स है वो ऑब्वियसली अपोजिंग है इधर, तो उसको जो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक साथ में माइनस लगा देते हैं डायरेक्शन, और एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगता है ईटा जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ दो पॉइंट लिखेंगे, तो पहले नेगेटिव साइन, ये फॉर्मूला जरा डब्बे में डाल लो याद रखना इसको, इसके बेसिस पे सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that viscous force acts in the opposite direction. Eta is the coefficient of viscosity. यूनिट्स निकालो जरा। हाँ जी सर, ये जो आपने एफ बनाया वो लग कहाँ पे रहा है? लेयर्स के बीच में। सर लेयर्स के बीच में कैसे, एक लेयर दूसरे पे ही तो लगा रही है, तभी तो दो लेयर्स के बीच में लग रहा है, एक लेयर ने दूसरी पे लगाया, दूसरी टू ने थ्री पे लगाया, बाउंड्री पर लग रही है, मतलब बीच में है। ठीक है ठीक है, इतनी जगह थोड़ी होती है लेयर्स में, वो तो जस्ट दिखाने के लिए बनाई है। यस सर, ठीक है।
सर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर क्या न्यूटन क्या बता रही हूँ अच्छा इसका वो यूनिट हाँ क्या हो जाएगा न्यूटन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर न्यूटन नहीं हो जाएगा सर न्यूटन नहीं हो जाएगा सिर्फ इसका ईटा का बताना है ईटा का बताना है ईटा ईटा का अच्छा तो सर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ही होगा इसका आ जाएगा हाँ देख लेते हैं न्यूटन याद करने की जरूरत नहीं इसका जो याद करना है ना यूनिट वो होता है पॉइज़ और डेका पॉइज़ वो लिखवाता हूँ क्या आएगा इधर ऐसे यूनिट ऑफ ईटा इज देखो ईटा क्या आएगा इधर एफ डी एक्स बाय ए डी वी इज न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड मीटर मीटर उड़ेगा तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ठीक है जी और जो ये एसआई यूनिट वाला हमारे पास यूनिट आ गया ये एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर वाला यूनिट है इसको इट इज पॉपुलरली नोन एज डेकापोइस 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज 1 डेकापोइस इसका जो यूनिट दिया होगा ना वो डेका पॉइज और पॉइज ही दिया होगा क्वेश्चन में ठीक है अगर डेका पॉइज दे रखा है मतलब वो एसआई में दे रखा है अगर पॉइज दिया हुआ है दैट इज इन सीजीएस सर कोई सिंबल नहीं है पूरा पूरा लिखना डेका पॉइज ले इसका सेकंड पर मीटर सबका सिंबल होता है इसमें डी लिख दे सिर्फ नहीं लिख सकते नहीं लिख सकते इसका सीजीएस कन्वर्ट करो जरा न्यूटन क्या हो जाएगा सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर दिस इज वन पॉइस एंड इन दोनों में आपस में क्या रिश्तेदारी है 1 decapoise is 10 raised to power 5 poise नहीं 10 10 का रिलेशन है सॉरी हां डेका 10 का अभी तो डेका है हां ठीक है 10 poise ये यूनिट जरा याद कर लेना सर सबसे डिफरेंट यूनिट्स होनी है आज तक तो फाइनली ये यूनिट सोच के कैसे रखते थे मतलब कुछ भी रख दो मतलब हां मतलब कैसे सोच के रखा होगा डेका पॉइज कोई साइंटिस्ट है पॉइज कोई हां हां वो न्यूनी के नाम पे ही होते हैं डायमेंशन निकाल लो जरा ये नाम अच्छे नहीं है इसकी सर अच्छा है ईटा की जी ठीक है सर ml माइनस वन t माइनस वन राइट देखो ईटा हमने निकाला न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर न्यूटन इज ml t माइनस टू माइनस टू और सेकंड हो गया t डिवाइडेड बाय l स्क्वायर तो एनर्जी की डाइमेंशंस क्या होती थी ml 2 t माइनस टू ml 2 t माइनस टू सर ने कहा था याद रखने कभी नहीं भूलनी अरे ठीक है ना मैं दूसरी लगा रही थी एनर्जी की न्यूटन को एनर्जी ले रही हिम्मत है वैसे सिमर की पूछ नहीं हां सर है थी ठीक है लिख लिया यहां तक यस सर Yes, तो जो विस्कोसिटी है वो होते हैं दो मतलब लिक्विड के बीच में हम जो फ्रिक्शन को बोलते हैं उसको विस्कोसिटी बोलते हैं और सॉलिड के बीच में हम फ्रिक्शन बोलते हैं ना दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही ऑब्वियसली अपोजिंग फोर्सेस हैं मतलब दे अपोज द रिलेटिव मोशन ठीक है और दोनों ही ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं राइट लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है सर एक सॉलिड्स में लग रहा है सॉलिड्स का अच्छा जी ठीक है दूसरा
वो डिफरेंस हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ मतलब ठीक है, लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है। और यूनिट्स का, अरे वाह, यूके बाद लिख सकते हैं। हाँ बहुत फर्क है फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स। ऐसे ही आ रहा है हमें तो डिफरेंसेस। अबे वैसे यूनिट सेम है यार, दोनों फ्लूइड में लगती है सर, विस्कस फ्लूइड में लगती है और फ्रिक्शनल फोर्स ये हो गया। ऐसे से दोनों का तो न्यूटन ही है, दोनों का न्यूटन है वो तो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं, अरे जेन्युइनली बताओ ना अब सर, सच्ची में सब पता चला। जेन्युइनली हम यही बोल रहे हैं सर, जेन्युइनली हमें अच्छे पॉइंट्स बोल दिए दो, सर हमें यही आ रहा दिमाग में। देखो जो विस्कस फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड कर रही है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं सर, विस्कस फोर्स करती है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। ठीक है, तब सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस लिख लेते हैं। Number one, both oppose relative motion of the surfaces, yeah, layers in contact. Number two, both are due to intermolecular forces. ठीक है जी, ये तो सिमिलैरिटी होगी। अब डिफरेंसेस क्या हैं? एक साइड में विस्कस लिख लो, एक साइड में सॉलिड फ्रिक्शन लिख लो। नंबर वन, इट डिपेंड्स ऑन एरिया, एरिया ऑफ द लेयर। It is independent of the area. Number two, it depends on normal. And it does not depend on the normal force. Third, it depends on the velocity. Between the two layers, but it does not depend
स्टैटिक काइनेटिक होती है, लेकिन काइनेटिक है तो चाहे वेलोसिटी 10 है चाहे 15 है उस पे फ्रिक्शन जो है सॉलिड फ्रिक्शन वो डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ पे इट्स बेटर टू यूज रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों पॉइंट्स में इट इज बेटर टू यूज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है ना, दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, नमन नेचर पे तो डिपेंड करेगा ना, दोनों ही दोनों में है नेचर का फंडा, तो वो उसमें सॉलिड फ्रिक्शन में म्यू आता है, इसमें ईटा आ गया, ईटा इज नेचर डिपेंडेंट। सर विस्कोसिटी में स्टैटिक काइनेटिक कुछ नहीं होता? नहीं स्टैटिक में तो होता ही नहीं कुछ। हाँ मतलब सर सिंपल ही है। हाँ वो तो फ्लो करेगा तभी लगेगी। ठीक है। इसकी एक दो एप्लीकेशन लिख लो। अब विस्कोसिटी जो है वो काफी जगह पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि मशीन्स में कौन सा लुब्रिकेंट यूज करना है, ठीक है, उसकी टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी है ना, कौन सा ऑयल कब यूज करना है, राइट। तो मशीन्स में जो मशीन ऑयल्स वगैरह होते हैं उसकी विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम होगी तो कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा होगी तो वैसे ही चिपक जाएगा, मशीन्स नहीं चलेंगी, राइट। तो प्रॉपर विस्कस फोर्सेस प्रॉपर होनी चाहिए उसमें, राइट। और सर्दियों में गर्मियों में वो लिक्विड कैसे बिहेव करता है, वो लुब्रिकेंट जो है वो कैसे बिहेव करता है, उसकी विस्कोसिटी कितना चेंज हो जाती है, ऐसा तो नहीं कि सर्दियों में बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा ब्लड की विस्कोसिटी जो है नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, अगर ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, राइट, तो उसका ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट है ना, विस्कोसिटी मेजर करते हैं, तो वो सब चीजों की नॉलेज मेडिकल साइंस में है, मतलब यूज है उससे, उन सब चीजों का एप्लीकेशन मेडिकल साइंस में है ब्लड की विस्कोसिटी को लेके, ठीक है जी। तो ये कुछ शॉकर्स में जैसे फ्लूइड्स यूज होते हैं ना, यू नो दैट, तो शॉकर्स में जो फ्लूइड्स यूज होते हैं वो भी उनकी विस्कोसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, दो शुड नॉट, पानी नहीं यूज करते शॉकर्स में, विस्कोसिटी जो है मतलब ऐसा कुछ नहीं होता ना उसमें, बहुत कम होती, तो उसमें भी उसकी विस्कोसिटी कितनी वेरी कर जाए, ऐसा ना हो कि विस्कस फोर्सेस, सर्दियों में शॉकर का फ्लूइड जम जाए, विस्कस फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाए, काम नहीं करेंगे शॉकर्स, ठीक है जी। और गर्मियों में बिल्कुल ही पिघल जाए तब नहीं काम करेंगे, तो वो सब चीजें इम्पोर्टेंट है। वो मेंटेन कैसे होते हैं, क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर तो इफेक्ट करेगा ही, आउटसाइड टेम्परेचर नहीं, नहीं वो मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, कितना इफेक्ट करता है, ऐसा थोड़ी हर एक मटेरियल करेगा, लेकिन कितना इफेक्ट करता है उस चीज पे, है ना, ब्लड को तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता होगा ना सीजन बाय सीजन, किसको, ब्लड वगैरह को तो कम ही करता होगा, ब्लड को हाँ, लेकिन नॉर्मली तो कम करता है, बट इफ देयर इज सम यू नो एबनॉर्मलिटी, कुछ है, कुछ गड़बड़ है तो फिर तो यस
okay. The knowledge of viscosity and its variation with the temperature is very important in the choice of lubricants in the machinery. Liquids of high viscosity are used in shock absorbing the shockers, shock absorbers. कम विस्कोसिटी होगी, शॉक एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा वो, उतने में खत्म हो जाएगा काम, उतने में तो झटका ही लग जाएगा. नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ब्लड in medical science is very important for its study like circulation of blood. तुम लोग बायो में पढ़ते होगे कुछ ना कुछ, ना विस्कोसिटी से रिलेटेड पढ़ लिया सर, ये तो in the arteries and veins. मैं पूरी बायो को लिख रहा हूँ सर. ये वो होता है ना जब हम कहते हैं कि ब्लड की विस्कोसिटी 3 centipoise से 4 centipoise के बीच में होनी चाहिए. हाँ हाँ लिखते हो ये तुम लोग, होता है बायो में? लिखते नहीं है, मतलब पता है सर ऐसे कि गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए. राइट. अगर जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए ना ह्यूमन ब्लड में, तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है उसकी. यस सर. ठीक है, और उसके लिए मेडिसिन आती है जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करती है, जो कि विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को नॉर्मल लेके आती है दोबारा. यस सर. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल होनी चाहिए, तभी उस टाइप के फिर केमिकल्स यूज करेंगे, केमिस्ट्री यूज करेंगे. तो इट इज ऑल कॉम्बिनेशन, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स. फिजिक्स का कुछ बायो में आया है, मैं यही बोलने वाली थी. ठीक है जी, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं. आज लग रहा है कि फिजिक्स पढ़ के कुछ अच्छा हो रहा है. शर्म तो आती नहीं, मतलब सर आपके सामने आप चढ़ के ऐसे बेइज्जती करते हैं ना ये लोग. नहीं यार ऐसे थोड़ी है, फिजिक्स बहुत अच्छी है. हां थैंक यू. हाँ, अब तो बोलेगी सर ये फिजिक्स कवर, कवरिंग स्टेटमेंट कवर अभी तो करना है सर, तो बोलना ही पड़ेगा ये. दिया मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे. वेरी बैड. मेरा मतलब तो ये है ना कि नहीं, मतलब नहीं समझना हमें, मतलब नहीं समझना अभी क्या समझना ही नहीं आ रहा. बस एक बात तो सुन ली ना, एक जो तुमने पहले बोल दी. सर बस सर अभी तो टी का आंसर निकल चुका है, अभी कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं है. सच्चाई तो पहले निकल गई. बेचारी जी यार. चलो ठीक है, अरे मैं क्या बोलूं. कोई बात नहीं, जब समझ में आ जाएगा कल कल बता देना, कोई नहीं. ठीक है जी, आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं. गुड बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर. मुझे लगता था विस्कोसिटी और डेंसिटी सेम चीज है. दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड. मेरे को अब तक ये लगता था दोनों. हाँ दोनों एक्चुअली है डिफरेंट पैरामीटर्स. ऊपर से सर मेरी ना यहाँ पे एक फ्रेंड है, वो जिसके पास फिजिक्स पढ़ती है ना,
तो वो कहते कि उन्हें भी यही लगता था विस्कोसिटी और डेंसिटी सेम है, वो भी फिजिक्स में ना पीएचडी कर रहा है, तो उन्होंने रिसर्च के लिए भेजा, तब उन्हें पता लगा कि वो दोनों अलग है। तो सर मैंने ये सोच रही कि वो पढ़ाते कैसे होंगे फिर अगर उन्हें डिफरेंस नहीं पता। सर हमारा फिजिक्स का सिलेबस आगे चैप्टर्स में कटा है क्या? पूरा पूरा ही है यार, वैसे सीबीएसई ने जिस तरह से काटा है ना तो वो यूजलेस सा लग रहा है। सबसे कम सिलेबस फिजिक्स में कटा और सबसे ज्यादा बायो में कटा है। और जबकि फिजिक्स में तुम लोगों को बताऊं, हीट चैप्टर में उन्होंने क्या काटा है, कन्वेक्शन कंडक्शन एंड रेडिएशन काट दिया है। और रखा क्या है, कुछ मतलब कुछ बैच चैप्टर में बचा ही नहीं, ठीक है, और रखा क्या है, कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन की समरी। मतलब अब तुम लोग खुद बताओ, हाउ कैन वी डू दैट, जब तक तुम लोगों को डिटेल में पता ही नहीं होगा समरी का गण। डायरेक्ट फॉर्मूला करवाओ, मतलब क्या खाक समझ में आएगी तुम लोग समरी, और क्या समझना पड़ेगा, पूछ के कहेंगे हमने तो कहा था ना समरी करके आना, दिमाग लगा कि मैंने काटा है फिजिक्स में, तो पता नहीं क्या दिमाग लगाते हैं। तो पाया बिल्कुल नहीं काटनी चाहिए थी, और फिजिक्स बहुत सारी काट देनी चाहिए। या यू आर राइट, और क्या मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए सेम कटती क्या? अरे वो कर सकते थे वैसे, बोल ना अलग अलग कर सकते थे। हाँ सॉरी, अलग अलग कर सकते थे। जैसे ये काइनेमेटिक्स वगैरह इतना कुछ हमने किया है, इसका मतलब कोई यूज नहीं है। एंड मतलब जो ये चीजें हैं ये रख देते, वो थोड़ा बहुत पीछे से काट देते, मतलब वो भी रख दी, और बायो इतनी काट दी जो जरूरत भी नहीं थी काटने की। स्केलेटल सिस्टम काट दिया, दस देख लो, डाइजेशन भी पूरा काट दिया, पूरा ही देख ऐसे काट दिया पूरा। क्या काट दिया? डाइजेशन वाला काट दिया, स्केलेटल सिस्टम दोनों, लोकोमोटिव पता ही नहीं सर कहां कुछ क्या पड़ा है। हमें वो भी काट दिया जो केमिकल्स नहीं होते प्लांट्स में, वो भी काट दिया, ट्रांसपोर्टेशन भी काट दिया, मिनरल्स इन प्लांट्स भी काट दिया, मॉर्फो भी काट दिया, एनाटॉमी भी काट दी। हाँ जी, मैं सिमर से 2 सेकंड में पूछ लूं। पूछो इन्वेस्टिगेट। हाँ, एक मिनट रुको जरा, हम तुम लोग वो टेस्ट का क्वेश्चन है, वो लोग जिन लोगों ने टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस करना। हाँ सर, अब मेरे ख्याल से तो एक्चुअली चलो, मैं इतनी लेट छोड़ता हूँ, हमारे 5 मिनट भी नहीं होते हैं। एक्चुअली था क्या उसमें, अगर वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे ना, तुम लोग मैं क्वेश्चन ही भूल गई सर, मैं तो आप सर यस सर, वेलोसिटी बढ़ रही थी, था क्या इस पॉइंट पे ऑर्बिटल वेलोसिटी जो थी ना, सपोज मान लो हां सर, हां हां 10 रिक्वायर्ड थी है ना, तो इस पॉइंट पे ऑर्बिटल वेलोसिटी अब रह गई थी रिक्वायर्ड 7 ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, यहां से रिक्वायर्ड वेलोसिटी बढ़ गई, तो क्या होगा, ये वाला पार्टिकल जो है ना, इट विल टेक, होता क्या है क्योंकि यहाँ पे ये चक्कर में तभी घूम पाता अगर इसके पास 7 वेलोसिटी होती। अब इसके पास ज्यादा है तो थोड़ा आगे जाएगा, एलिप्टिकल पाथ लेगा और ऐसे जाएगा, इट विल द पाथ विल बिकम एलिप्टिकल। एलिप्टिकल तो उस दिन तो आप कहते ये अंदर ये वहां वो ही कर जाएगा एस्केप क्या? अरे एस्केप तो रूट 2 टाइम्स हो गया ना, अगर ये वेलोसिटी, अगर ये वाली वेलोसिटी, अगर सपोज 8, अगर यहाँ पे वेलोसिटी 10 बाय रूट 2 टाइम्स रिक्वायर्ड रह जाती फिर एस्केप कर जाएगा, ठीक है, मतलब पहले 10 थी, अब रिक्वायर्ड कितनी है, 10 बाय रूट 2, तो एस्केप करेगा। यस सर, लेकिन ये है 10 डिवाइडेड बाय, सॉरी मतलब अगर पहले 10 थी और अब रह गई 10 डिवाइडेड बाय रूट 2 नहीं है, उससे थोड़ी सी ज्यादा है ना, सॉरी उससे थोड़ी सी थोड़ी सी कम हुई है, मतलब 1.5 रूट टाइम्स हो पाई है, रूट 2 टाइम्स नहीं पहुंची अभी, तो वो एस्केप तो नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा पाथ बड़ा ले लेगा और एलिप्टिकल। पर आपने कहा था कि रेडियस और वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, yes, वो, actually, मैंने तुम लोगों को
रूट ऑफ रेडियस क्या चीज होती है, किसके लिए होता है ये? ऑर्बिटल वेलोसिटी जितना सैटेलाइट के लिए तो है, जितना ऑर्बिट का रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा उतनी उस वहां पे ऑर्बिटल रेडियस सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो कम होती रहेगी, कम होती रहेगी ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे ये जो है ये हम तब यूज करेंगे जब हम दो ऑर्बिट्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसको या इसको कंपेयर कर लो, एक और आ गया सी एक और आ गया डी, इनको कंपेयर कर रहे हैं तब। लेकिन अभी तो बॉडी ए में है, वहीं पे हमने उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो बेचारी क्या करेगी, उसको मोड़ तो पाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी ज्यादा दे रखी है, मोड़ने के लिए जो फोर्स है सेंट्रिपेटल फोर्स है वो कम है, इसकी थोड़ा दूर जाएगी ठीक है। लेकिन अब दूर जाके सर्कल में घूम नहीं सकती, सर्कल में क्यों नहीं घूम सकती, मान लो ए बी तक पहुंच गई, अब बी में सर्कल में घूमने के लिए वेलोसिटी तो और कम चाहिए, तो वो सर्कल में नहीं घूमेगी, वो एलिप्टिकल पाथ लेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ठीक है। चलो गुड बाय। मिलन क्या बोल रही थी? मैंने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। नहीं मैंने शुरू नहीं किया, मैंने भी शुरू नहीं किया यार, क्या इन माइनर पे टोरस पे बना रही हूँ, इतना बड़ा है मेरे से नहीं होने वाला। रिकॉर्डिंग चल रही थी क्या, होने दो। सर मतलब अभी स्कूल के बाद डिस्कस हो रही है सर, कोई फन नहीं कर रहे हूँ। अरे तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की बाकियों को भी गाइड कर देना ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन के बाकी भी गाइड। सर बंद कर दो रिकॉर्डिंग, क्यों ऐसे? नहीं नहीं मतलब बता दो ना क्या करना चाहिए सर को। हमारे स्कूल में थोड़ी है। हाँ सर हमारे स्कूल में। तुम लोग कौन से डीएवी में हो ना? मिलेनियम है सर, हम डिफरेंट से हैं थोड़े, मतलब अलग से स्कूल में चले गए गलती से। तो बहुत ही अजीब स्कूल है ये, बहुत ज्यादा अजीब स्कूल है। मेरे को नहीं लगता प्रॉपर काटने देंगे ये।